हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केन के। आज जो मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है ये वेगा के स्ट्रेटनर का रिव्यू। आप कह सकते हो अनबॉक्सिंग तो मैंने कर ही दी है, तो इस वीडियो में आपको रिव्यू डेमो देखने को मिलेगा। मैंने यूज़ किया, मुझे इसके क्या रिजल्ट, एक्चुअली मुझे इसका बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि ये 100% वर्क करेगा, और कुछ चीज़ों में ये वर्क नहीं भी करा है, और बहुत सारी चीज़ें इसकी फुल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगी। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो ना, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर सेट कर लीजिए। आने वाली का इस वीडियो की अपडेट आपको तभी मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इस स्ट्रेटनर का फुल रिव्यू। सो सबसे पहले मैं इसकी कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, जो कि मुझे पर्सनली ये चीज़ें पसंद नहीं आई हैं। और इसमें आपको सबसे फर्स्टली मिल जाता है, सबसे पहले एक आपको वारंटी कार्ड मिलता है और एक आपको मैनुअल मिलता है, जिसपे आप डू एंड डोंट सारी चीज़ें पढ़ सकते हो कि आपको करना है क्या नहीं करना है। सो ये वारंटी कार्ड एंड ये मैनुअल आपको मिल जाता है, एंड आपको सारे फीचर्स को अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना है। वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप परचेस करते हो तो आपको ज़रूर से एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। सो इसकी फर्स्ट चीज़ ये है कि इसमें 2 ईयर्स की वारंटी है। इसमें जितने भी स्टाइल आपको करने हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बटन है, आपको बहुत सारे बटन्स नहीं मिलते, लाइक वो आपके लिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। और सो इसमें एक ही बटन है, और ये जो एक चीज़ इसमें है, इसमें 360 मूव करती है। सो बहुत ही आसानी से आप अपने हेयर को कर्लियर, स्ट्रेटनर या जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से इजी टू लॉक हो जाता है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये पैर जो है वो अच्छी खासी लंबी है, बहुत ही अच्छी लंबी है, क्योंकि कई ऐसे स्ट्रेटनर होते हैं या कर्लियर होते हैं जिनकी वायर जो है वही बहुत छोटी होती है, सो दिक्कत होती है। तो ये आप आराम से कहीं पर लगा के थोड़ी दूर बैठ कर भी आराम से आप कर सकते हो। सेकेंड इसका पार्ट मुझे क्या अच्छा लगा कि इसमें जैसे कि 3 ऑप्शन है, स्ट्रेटनर, कर्लियर एंड क्रिम्पर का, सो आपको एक ही बटन मिलता है, जिससे आपको ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे कि कौन सा बटन ऑन करना है या इस तरीके से। सो आपको एक बटन मिल जाता है, और ये आप देख सकते हो ये एक बटन मिलता है। इसको जो आप आगे पीछे करोगे तो ये क्रिम्पर का खुल गया, थोड़ा सा पीछे करोगे तो स्ट्रेटनर का खुल गया, और बीच में कर दोगे तो ये बिल्कुल ही लॉक हो जाता है। देन आप यहाँ से कर्लियर अपने हेयर्स को कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन भी मिलता है, जो कि एक ही बटन है, ऐसा नहीं कि 2-4 है, एक ही बटन आपको मिलते हैं। और ये तो आप देख ही रहे हो, ये 360 मूव कर रहा है इसका कॉर्ड, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे पकड़ने का सिस्टम है। आपको ये वाली एरिया को नहीं पकड़ना है, जब भी आप स्ट्रेट हेयर कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो अपने हेयर्स के ऊपर, स्टाइल कर रहे हो, तो इस वाले पार्ट को आपको नहीं टच करना है। इसका एक डिसएडवांटेज मुझे ये लगा कि ये बहुत जल्दी बहुत हीट हो जाती है। इसमें एक होता है ना कि थोड़ा सा आराम आराम से होता है, तो इसमें बहुत जल्दी हो जाती है। सो बी केयरफुल, जब भी आप अपने बालों को स्ट्रेट करो, कर्लियर करो, क्रिम्पर करो, तो इस चीज़ को आपको ज़ोर से, अगर हीट हो गई है तो मैंने जितनी बार भी किया है मुझे ऑन ऑफ ऐसा करना पड़ रहा है, या फिर मैंने एक बार हीट कर लिया उसके बाद मैं कर रही हूँ इस तरीके से करके, क्योंकि चालू करके बहुत ज़्यादा देर तक अपने बालों को हीट पे ना रखें, क्योंकि वो फिर आपकी जो नेचुरल जो होती है ना, शाइनिंग होती है, वो चली जाती है। हेयर जो हो जब हीट होते हैं, सो इन कुछ चीज़ों का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। जब भी आप अपने हेयर्स पे कोई भी स्टाइल कर रहे हो, फेस के एरिया से थोड़ा सा दूर रखें, ज़रूर से इस चीज़ को मेक श्योर करें, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हीट बहुत जल्दी हो जा रहा है। सो इंसिडेंट कुछ भी ऐसा हो ना चाहे आपके स्किन के साथ में, चाहे आप नेक का एरिया हो, आपका फेस का एरिया हो, इसको ज़रूर से आप ऐसे कुछ भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कि चाहे वो ड्रायर हो, स्ट्रेटनर हो, कर्लियर हो, उसको आपको ना ज़रूर से अच्छे तरीके से बहुत सावधानी के साथ में यूज़ करना चाहिए। सो मुझे बाकी ओवरऑल इसके फीचर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि इसमें मुझे एक और चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो ये कि इसमें कर्लियर होने में थोड़ा टाइमिंग लग रहा है, स्ट्रेटनर बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, क्रिम्पर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, लेकिन जो कर्लियर है वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आपको पेशेंसफुली थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सो इसमें एक मुझे ये पार्ट अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी के पास टाइम नहीं होता कि 1 घंटे तक लेके बैठा हुआ रहे। मैं अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो मुझे इसका बिल्कुल भी ये कर्लियर अच्छा नहीं लगा। बाकी ओवरऑल दोनों क्रिम्पर एंड स्ट्रेटनर ठीक है इसके, और अगर आपके पास में टाइम है तो आप बेझिझक होकर इसके साथ में कर्लियर के साथ में जा सकते हो। ओवरऑल 2 चीज़ें इसकी ठीक है। बाकी ओवरऑल आपको बता देती हूँ कि मुझे ये कितने प्राइस में मिला। तो समथिंग इसका 1800 इसका प्राइस था, लेकिन डिस्काउंट में मुझे 1200 समथिंग में ये मुझे मिला है। अगर आप चाहते हो
परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। आपको काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ में ये मिल जाएगा। एंड ये डील मुझे इसलिए भी थोड़ी सी अच्छी लगी क्योंकि 1800 में या जो 1800 का प्रोडक्ट मुझे 1200 में मिल रहा है और साथ ही साथ उसमें 3 फीचर्स मिल रहे हैं। सो ये ठीक है, गुड है। और बस करियर को लेकर थोड़ा सा मुझे इश्यू है, बाकी ओवरऑल ये प्रोडक्ट अच्छा है। आप चाहें तो जाके परचेस कर सकते हैं गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो जरा सा पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे अपनी किसी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।